Hey guys, my name is Alakshana Dotra and welcome to my channel once again. So my today's video is on my experience that I had with the visa consultants in India. That was really funny. So chaliye shuru karte hain. So after I got my bands in IELTS, main aur mere husband बस सोच रहे थे कहाँ जाएं, क्या करें, अब कौन से वीज़ा कंसल्टेंट से बात करें. तो हम पंजाब से हैं ऑफकोर्स, सो वहाँ पे बहुत 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 सारे वीज़ा कंसल्टेंट्स हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो कि हमेशा टीवी पे एंड हमेशा फ़ोन पे उनकी एडवर्टाइजमेंट्स आपको मिलती रहेंगी, तो बहुत ही ज़्यादा फेमस. और हमने सोचा कि चले इनका इतना ज़्यादा नाम है तो इनसे मिला जाए. तो हमने उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक करी स्पेशली उनके ऑफिस में उसी टाइम पे जबकि वो जो मेन हेड हैं जिनके नाम से वो उनकी कंपनी चलती है. तो हमने उसी टाइम का उनका अपॉइंटमेंट लिया कि अगर वो मिस्टर समथिंग समथिंग है उस ऑफिस में तो हम जाएंगे. मैं नाम नहीं लूँगी. यस, हमारे आईएस बैंड आ गए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, सो हमें मिलना है. तो हम चले गए वहाँ पे और वो दोनों एक ही शहर के थे तो हमें एक ही दिन में हमने उनकी अपॉइंटमेंट्स बुक कर ली. सो फर्स्ट हम जिनके ऑफिस में गए, बहुत बड़ा, बहुत ही यू नो द फिल्मी टाइप ऑफ ऑफिस था और इतने लोग वहाँ पे, इतनी जनता आई पड़ी थी. और हम चले गए एंड देन हम गए और उसके बाद उनके ऑफिस में ही एक कोई लड़की थी, हम उनका कुछ वहाँ पे काम करती थी, हमने उससे बात करी. देन हमने बोला कि हमें मिस्टर समथिंग समथिंग से भी मिलना है, उनसे भी बात करनी है. तो हम उनके पास गए, उनके ऑफिस में गए. उनका सेपरेट ऑफिस था, बहुत ही सुंदर एंड फिल्मी टाइप्स. तो हम उनके ऑफिस में गए, मैं और मेरे हस्बैंड. तो वहाँ जाके उन्होंने हमें बहुत कन्विंस किया, नहीं आपका अच्छा स्कोर आ गया है, आपका तो सब कुछ रिकॉर्ड अच्छा है, तो आपका तो हम लगा देंगे, आप ऐसे. और साथ एंड उन्होंने हमें साथ में ये भी बहुत अच्छा गाइड किया कि आप कनाडा, आप ऑस्ट्रेलिया का रहने दो, आप कनाडा का लगाओ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का बहुत रिस्की है, पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन कनाडा के फुल चांसेस हैं, मैं कनाडा का लगवा दूंगा, आप कनाडा का लगवाओ. और कोई बात नहीं, स्पाउस नहीं लगता तो कोई बात नहीं, लड़की पहले चली जाएगी, हम आपको बाद में भेज देंगे 3 या 6 महीने के बाद. तो वो तो ऑफकोर्स हमें कनाडा का लगवाना ही नहीं था. तो उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि, हमने बोला ठीक है तो हमारा क्या प्रोसेसिंग रहेगा, कुछ नहीं आप बस 20 लाख हमें दे दो और हम आपका काम शुरू करते हैं. हमने बोला ओके 20 लाख कोई नहीं, ओके हम आपके अकाउंट में सेंड करें. बोला नहीं 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 कैश चाहिए हमें तो. और हम लगे क्या लिखा है हमारे फेस में, 20 लाख तुझे कैश दे देंगे, पागल समझाए क्या. तो हमने तो उसी टाइम हमारे माइंड में हो गया था कि ओके 20 लाख कोई नहीं देते हैं भाई तेरे को, कोई नहीं क्यों नहीं. तो उसके बाद हमने बोला ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच इतना अच्छा गाइड करने के लिए. हम वहाँ से निकल गए, हमने लगा गॉड ये क्या था. देन हम गए द सेकेंड मिस्टर समथिंग समथिंग के पास और उनके ऑफिस में. और जब हम वहाँ गए वहाँ पे भी बहुत जनता थी क्योंकि हमारे जैसे बहुत होते हैं जो इतना बड़ा नाम सुन के आ जाते हैं ऑफिस में. हम गए उनके ऑफिस में, वहाँ पे भी इतने लोग बैठे हुए हैं, हम जाके बैठ गए, बैठे 5-10 मिनट हुआ, देखा अंदर से पुलिस निकल के आ रही है. हम ये क्या है, पुलिस क्यों आ रही है. तो वहाँ से पुलिस अंदर से आई तो मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे हो गए. बाद में हम पास में एक लड़का बैठा था, हमने उससे पूछा भाई ये क्या मामला है, यहाँ पुलिस क्या कर रही है. तो उसने हमें बताया कि इनके ऊपर किसी ने केस करा है. तो हम केस किसने करा है, इनका ही कोई क्लाइंट था उसने केस करा है क्योंकि ये क्या करते हैं कि जब उनका वीज़ा आ जाता है, पासपोर्ट रखा होता है उन्होंने अपने पास, तो बाद में उनको बोलते हैं कि हमें पैसे इतने लैक्स और दो फिर हम आपको आपका वीज़ा दे देंगे, आपका वीज़ा आ गया हुआ है. तो इस हिसाब से कुछ उनका चक्कर वक्कर चलता है. तो उसके लिए फिर उनके ऊपर उनके किसी क्लाइंट ने केस करा हुआ था. तो उनके साथ ऐसे बहुत केसेस चलते हैं, उनका अंदर बाहर आना लगा रहता है. तो हम उधर भी हमारा श्योर हो गया था कि नहीं ये भी कैंसिल हमारी लिस्ट से, यहाँ पे भी नहीं हमने लगवाना. तो हाँ ऑफकोर्स हम उनके साथ भी पर्सनली मिले थे लेकिन हमारा पहले ही उनके साथ वो ख़राब हो गया था कि नहीं नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं. तो ये ऐसे वीज़ा कंसल्टेंट्स के साथ बहुत केसेस होते हैं. मेरी खुद की एक फ्रेंड, यहाँ पे मुझे फ्रेंड मिली थी, उसका भी ऐसा हुआ था क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा होता है वो ऑनलाइन आता है और आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली ले सकते हो, लेकिन ये बहुत लोगों को नहीं पता होता, कुछ ही लोगों को पता होता है. एंड भगवान की दया से मेरी फ्रेंड को, मेरे फ्रेंड के हस्बैंड को ये चीज़ पता थी. तो
सो उनका जो कंसल्टेंट था उसने उसने भी मेरी फ्रेंड के साथ ऐसे ही किया. सो ज़्यादातर कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, जब आपका वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो आपका पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं फॉर देयर श्योरिटी उनका उसका. लेकिन उस कंसल्टेंट ने मेरी फ्रेंड का पासपोर्ट नहीं रखा था, तो उसका जब वीज़ा आया तो उन्होंने बोला वीज़ा आ गया है, हम आपसे 1 or 2 lakh हमें और चाहिए, फिर हम आपको वीज़ा दे देंगे. तो वो उनको वीज़ा नहीं दे रहे थे, लेकिन मेरी फ्रेंड के हस्बैंड को पता था कि वो ऑनलाइन वीज़ा ले सकते हैं, तो उन्होंने ऑनलाइन वीज़ा लिया और जितनी जल्दी हुआ उन्होंने अपनी वाइफ को यहाँ पर भेज दिया ताकि वो उनको और ब्लैकमेल ना कर सके. तो ऐसे केसेस बहुत होते हैं. लोग कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे मार्केट में हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ मेन मोटिव पैसा है, और अच्छा गाइड हो नहीं हो उनके आपके फ्यूचर से उनको कोई मतलब नहीं है, बस उनको मेन है पैसा. तो वो ऐसे ही करते हैं बस कि हाँ जी या आपको ऐसे ब्लैकमेल करेंगे कि आपका वीज़ा लगा दिया है तो और पैसे चाहिए, नहीं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा. एंड उस टाइम बंदा ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होता है कि उनको होता है कि बस वीज़ा मिल जाए, हमें 2-3 lakh और लग जाए, कोई नहीं बस वीज़ा आ जाएगी, क्योंकि बंदा बहुत परेशान हुआ होता है इतने चक्कर इतने डॉक्यूमेंट्स इतना कुछ इकट्ठा करके. तो उनको होता है कि कोई नहीं 1-2 lakh लग जाए, कुछ नहीं होता, तो हमारे लिए मैटर नहीं करता. लेकिन बाद में हमें फील होता है यार इतना हमने एक्स्ट्रा क्यों दिया. तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, तो हमें ऐसे कंसल्टेंट से जब हमें दिखे कि हाँ जी ये तो बंदा ही गलत है, तो उसी टाइम हमें ऐसे कंसल्टेंट के पास जाना ही नहीं चाहिए. देन हमने ये दो कंसल्टेंट के पास गए. देन थर्ड हमारा एक फ्रेंड था जो यहीं पे ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में है, तो उसने हमें गाइड किया कंसल्टेंट के बारे में. एंड दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ही बोल रही हूँ. सो वो थे सागर स्टडीज़ अमृतसर में, तो हम उनके पास गए. एंड इसलिए जब वैसे दो केसेस होने के बाद मैं ऐसे केस में आई जहाँ पे इतना अच्छा एटमॉस्फेयर और इतनी अच्छी गाइडेंस मिल रही थी, सो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलीफ मिला. मे बी अगर मैं डायरेक्ट फर्स्टली इनसे मिल लेती अपने ये वाले कंसल्टेंट से सागा स्टडीज से, तो मुझे इतना नहीं पता चलता, मुझे ऐसा लगता कि हाँ हम ठीक है वैसे ही होते होंगे. लेकिन जब वो दो केसेस मैंने देख ली अपनी लाइफ में, देन मैं इनके पास आई तो मुझे फिर फील हुआ कि ये तो बहुत अच्छे हैं. उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड किया और बहुत अच्छी फाइल बनाई, वो हर चीज के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट कि वो अभी भी मेरे कॉन्टेक्ट में है. और मैंने खुद से नहीं करा था, जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई थी उनका एक ऑफिस ऑस्ट्रेलिया में भी है, तो जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ आने की कोई 6-7 महीने के बाद उनका खुद से मुझे ईमेल आया तो ऑस्ट्रेलिया ऑफिस से कि हेलो सुलक्षणा, वी आर फ्रॉम द सागा स्टडीज ऑस्ट्रेलिया, और हमें कॉन्टैक्ट में रहना है क्योंकि हम अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी गाइडेंस चाहिए या ये वो तो आप तो अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट हमें दे दो ब्लाब्ला. तो मैंने दे दिया और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ आपको आपका वो जो वीज़ा कंसल्टेंसी वाला सीन है वो आपका सिर्फ वहाँ तक नहीं रहता, यहाँ आके आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है स्टेप टू स्टेप कि आपको भी कोर्स यही रखना चाहिए, यूनी यही रखनी चाहिए, चेंज ये वो, आप अगर ये करोगे तो क्या फ्यूचर में इफेक्ट नहीं होगा, तो आपको बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और बंदा इधर उधर भटकता है और बंदे को समझ नहीं आता. और ऐसी केस में अगर आपको खुद से एक आपकी जो वीज़ा कंसल्टेंसी एजेंसी है वो खुद से आपको अप्रोच करे, तो आपको ऐसा लगता है कि आप तो हमारे लिए भगवान ही हो. तो मुझे वो चीज़ उनकी सबसे अच्छी लगी कि वो अपने क्लाइंट्स के साथ टच में रहते हैं और वो अभी भी मेरे टच में हैं. मुझे कुछ भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम होती है या कुछ कन्फ्यूजन होती है तो मैं उसी टाइम उनको मैसेज कर देती हूँ कि क्या ऐसा करूँ तो ठीक रहेगा, ऐसा करूँ तो ठीक नहीं रहेगा. सो वो सबसे बेस्ट चीज़ लगी मुझे मेरी एजेंसी की. ऑफकोर्स मेरी नहीं है लेकिन हाँ वो मेरी हो गई है. सो जब आपको इतनी अच्छी गाइडेंस मिले और इतना अच्छा रिजल्ट मिले तो ऑफकोर्स आपको ऐसा लगता है कि अब तो ये मेरी ही है. सो दैट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस और मेरा और मेरी फ्रेंड्स का, जो कि मैंने एक गुला मिला के आप सबको बता दिया. तो प्लीज़ गाइज, अगर आपको जल्दी मत कीजिए कि हाँ जी अगर हम ये बड़ी है इनका बहुत नाम है इनके पास जाते हैं हमारा जल्दी लग जाएगा, आप आगे लाइफ में पछताओगे. जब आप यहाँ पे आओगे बाकी स्टूडेंट से मिलोगे आपको लगेगा कि यार इन्होंने तो हमसे आधे में यहाँ पहुँचे हुए हैं, हम इतना क्यों खर्च करके आए, तो आपको उस टाइम बहुत गलत लगेगा. अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स है, सब आप सही कर रहे हो, सब कुछ ठीक है प्रॉपर है, तो आप क्यों ज़्यादा खर्च करोगे. तो अच्छे कंसल्टेंट के पास जाओ. मैं नहीं कह रही कि हाँ जो मैं मेरे थे सागर स्टडीज़ है उन्हीं के पास जाओ, मार्केट में और भी अच्छे होंगे आई गेस, मुझे नहीं पता, लेकिन किसी अच्छे के पास जाओ, ऐसे के पास मत जाओ जो कि ठग हैं इन हमारी देसी लैंग्वेज. सो
प्लीज बी सेफ बिकॉज मम्मी पापा की मनी बर्बाद मत करो. एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर आपको और कुछ जानना है और कोई किसी और चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट. मैं मे बी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ जो कि हो कि मेरा प्रॉपर कितना खर्चा हुआ था यहाँ आने के लिए. सो फॉर देयर ऑल्सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स कि वो भी किसी ऐसे वीज़ा कंसल्टेंट के चक्कर में ना पड़े. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. लव यू.